कैंट थाने की पुलिस ने चोरी लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि 3 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिनकी पहचान गैंग लीडर अभियुक्त करण यादव उर्फ संजय यादव, पुत्र लालता यादव उर्फ ललवा यादव, निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार, दूसरा वीरेंद्र यादव पुत्र विनोद यादव निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार, तीसरा शिवा यादव पुत्र प्रकाश यादव निवासी नवा टोला जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार बिहार के रूप में हुई है। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व बौद्धिक बुनियादी या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर चोरी एवं लूट जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में थाना कैंट पर चोरी व लूट की घटना करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस गिरोह का सरगना करण यादव है, इसके 2 अन्य साथी हैं, जिनके विरुद्ध प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में कई आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। शीघ्र ही इनकी संपत्ति तस्दीक कर 14 की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।